इजारे यकजहती करने के लिए आए हैं कि अगर इस जुल्म के निज़ाम में और इस निज़ाम के अंदर एक भगोड़े को पाकिस्तान के अंदर लाकर उसको सरकारी अफसरान सलूट मारें और उसकी तमाम जमानतें हो सकती हैं, तो ये जो लापता अफराद हैं इनका मसला हल क्यों नहीं हो सकता। इस वक्त जो वजीर आजम है वो भी बलोचिस्तान से हैं, वजीर दाखिला जो है वो भी बलोचिस्तान से हैं। आपने गुज़िश्ता इनके यहाँ पे पहुंचने के बाद उनके जो ट्वीट्स हैं या उनके जो पैगाम हैं वो सुने हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, उनका तो काम है कि वो किसी भी मसले को ऐसे पेश करना आलमी मीडिया के सामने और कौम के सामने जैसे वो मसला है ही नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इनके हकीकी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को और तमाम इदारों को सीरियस होना होगा। अदालतें इसलिए बनी हुई हैं कि अगर किसी के अंदर कोई रियासती दहशतगर्दी में या किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको एक प्रोसीजर है, उसके तहत कानून के तहत सजा देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये माएं बहनें बेटियां वहां से चल के आई हैं, कितने अरसे से लोग वहां पे लापता हो रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, तो इस पे को क्या कॉमेंट करेंगे? देखें जी, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत को अपने तमाम शहरियों को बराबर हकूक देने हैं और रियासत को वो चाहे बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, गिलगित से हो, पंजाब से हो, लाहौर से हो, कोयटा से हो, कहीं का भी शहरी हो उसके साथ माँ की तरह सलूक करना है। ये कहीं नहीं रियासत के अंदर उसूल होना चाहिए कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो ज्यादा अजीज हैं और जो कोयटा के हैं या बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से हैं या सिंध के हैं या गिलगित बल्तिस्तान कहीं से भी हैं, तो तमाम को बराबरी के हकूक मिलने चाहिए और इनका ये हक है कि इनकी तमाम चीज़ों को सुनवाई दी जाए और इनके केसों को अदालतों में लिया जाए। अगर वो मुजरिम हैं तो उन्हें इस बार सरे आम सजा दी जाए जिस तरह के प्रोसीजर है, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो फिर उनको रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया।